वन मंथ की फ्री में अमेजन प्राइम मेंबरशिप आपको कैसे लेनी है और वन मंथ के बाद आपको किस तरीके से उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना है, सब कुछ आज की वीडियो में पता पड़ने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही अभी तक आपने अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अगर आपको अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का वन डे अर्ली एक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपके पास अमेजन प्राइम मेंबरशिप होनी जरूरी है। तो उसके लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपको वन मंथ की प्राइम मेंबरशिप मिल जाएगी, बाद में आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अमेजन ऐप इंस्टॉल करके उसमें अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेना है। उसके बाद की स्टेप देखते हैं हम फोन स्क्रीन पर। अमेजन ऐप को ओपन करने के बाद आपको ऊपर सर्च बार मिलता है, वहां पर आपको सर्च करना है अमेजन प्राइम मेंबरशिप। उसके बाद उस पर आपको क्लिक कर देना है, नहीं तो आप सेटिंग में जाके, अकाउंट में जाके, वहाँ पर आपको मैनेज प्राइम मेंबरशिप वाला सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाके आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आपको ऊपर बैनर दिखेगा, आपको बैनर पर क्लिक कर देना है। बैनर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पाओगे स्टार्ट योर 30-डे फ्री ट्रायल, मतलब आप इसको 30 दिन के लिए फ्री यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन को एंड कर देंगे तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी पड़ेंगी लेकिन उसमें से कोई भी चार्ज नहीं कट किया जाएगा। अगर जो आप 30 दिन से पहले सब्सक्रिप्शन को एंड कर देते हैं तो आपको डेट जरूर मेंशन रखनी है, सब्सक्रिप्शन को एंड जरूर करना है, नहीं तो आपके चार्ज लग जाएंगे, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्टार्ट योर 30-डे फ्री ट्रायल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सभी डिटेल्स देख पाओगे कि आपको 2 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी जो कि रिफंडेबल है, जो कि आपको वापस कर दी जाएगी। उसके बाद आफ्टर ट्रायल ऑटो चार्ज अपने आप कट जाएंगे 1499 पर ईयर, मतलब अगर जो आप कैंसिल नहीं करते हैं तो ही कटेंगे, अगर जो आप कैंसिल कर देते हैं तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो आपके पास पेमेंट करने के 2 मेथड हैं, आप UPI ऐप का यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पर क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर UPI का यूज़ करता हूँ, तो मैं अदर UPI ऐप पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी UPI एंटर कर देनी है। मैं इसको UPI के थ्रू कर रहा हूँ, जो आप चाहते हैं कि मैं इसको डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू करके दिखाऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको अलग से मैं शॉर्ट बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर आपको UPI एंटर करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो एड्रेस पहले से मेंशन होगा या फिर आपको एड्रेस यहाँ पर क्रिएट कर लेना है, उसके बाद कोई सा भी एड्रेस को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास UPI में पेमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपने जो भी UPI सेलेक्ट किया आप उस ऐप में जाके वहाँ से पेमेंट कर दें। तो मैं पेमेंट कर देता हूँ। आपके पास जो पेमेंट की नोटिफिकेशन आएगी वो इस तरीके से आएगी, ऑटो पे 1499। अगर जो आप सब्सक्रिप्शन को एंड नहीं करते तब आपको 1499 की पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर जो आप सब्सक्रिप्शन को 1 मंथ से पहले ही कैंसिल कर देते हैं या फिर लास्ट डे भी कैंसिल करेंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। तो मैं इस पेमेंट को प्रोसीड करके कंफर्म कर देता हूँ। तो मेरी पेमेंट कंफर्म होते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, थैंक यू आर साइंड अप फॉर द 30-डे फ्री ट्रायल। आपको जो 30 दिन का प्राइम मेंबरशिप का जो फ्री ट्रायल है वो एक्टिवेट हो चुका है, मतलब आप प्राइम मेंबरशिप के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर कुछ देखना हो या फिर अर्ली एक्सेस सेल के लिए, तो आप सब कुछ 1 मंथ के लिए एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है। मैं जिस अकाउंट में सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने वाला हूँ उसमें मेरे लगभग 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं फ्री सब्सक्रिप्शन के। ध्यान रखें कि आप अपने सब्सक्रिप्शन को 30 दिन से पहले भी कैंसिल कर सकते हैं। जिस दिन आप कैंसिल करने जाएंगे उसी दिन आपके अमेजन प्राइम के सारे एक्सेस कैंसिल कर दिए जाएंगे, तो आप एज़ पर योर रिक्वायरमेंट कभी भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपको 30 दिन के अंदर अंदर करना है, अपने ट्रायल पीरियड के अंदर अंदर ही इसको कैंसिल करना है। तो सबसे पहले आपको अपने अमेजन अकाउंट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आपका जो प्रोफाइल वाला सेक्शन दिखता है उस पर आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पर आपको ऊपर 4 ऑप्शन दिखते हैं, वहाँ पर आपको योर अकाउंट वाले सेक्शन में आ जाना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मैनेज योर प्राइम मेंबरशिप। यहाँ पर आप देख पाओगे सभी डिटेल्स की कितने दिन आपके लेफ्ट हैं, तो आपको यहाँ पर मैनेज मेंबरशिप पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप नीचे देखोगे मैनेज मेंबरशिप, दोबारा से आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दिखेगा सबसे ऊपर ही एंड मेंबरशिप पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स बताई जाएंगी, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आप फ्री ट्रायल को रखना चाहते हैं या फिर एंड करना चाहते हैं, तो मैं एंड माई फ्री ट्रायल पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको फिर से नीचे आना है, फिर से आपको वही बोला जाए कि क्या आप मेंबरशिप को रखना चाहते हैं, नहीं मैं एंड करना चाहते हैं, तो आप नीचे कंटिन्यू टू कैंसिल पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको फ्री ट्रायल, जैसे आप इसको कैंसिल करते हैं फ्री ट्रायल का जो बाकी डेज हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कैंसिल इमीडिएटली पर ही क्लिक करना है।
जैसे ही आप कैंसिल इमिडिएटली पर क्लिक कर देते हैं, आपका जो सब्सक्रिप्शन था फ्री ट्रायल वाला वो कैंसिल हो गया है। तो आपका जो ऑटो डिडक्ट होने वाला था आपके अकाउंट से वो अब नहीं होगा, आपका एक भी चार्ज नहीं लगेगा और आप 1 मंथ का अमेजन प्राइम मेंबरशिप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। होप ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर जो आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आप तक इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो पहुँचाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।